ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम चित्त बुद्धि सहिताय श्रीमन् नागराधिपते नमः स्वाहा। ओम ए टुकड़ा, तेरे स्वाहा स्वाहा करने के बाद मेरे दूध के दांत गिर गए। ए ये देखो। यज्ञ पे ध्वंस कर ही दिया इसने। ए टुकड़ा, प्रियु सावधान रहना। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। ए बाबा डोकरा, अब मैं तेरे को बना दूंगा बोकरा। ए बाबा आशीष विश्व में, अन्याय का दीपक जलेगा। कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं। लग गई है बाजी धर्म और अधर्म की। देखना है, देखना है, देखना है किसके पास है मैं पाप पारा पड़ेगा। देखना चाहते हो? दिखा। धर्म की, अधर्म का। अभी भी पांसा हमारे ही पक्ष में है। अब किसी ने बोला तो उसकी मुंडी काट के चिकन मुंडी कट डालूंगा। हमारा भय समाप्त तो होता जा रहा है। अब देखना, देखना अब हमारे में कैसे बोलेंगे। ए सब लोग बोलना, तुम लोग भी बोलना। नहीं समझ लेना, जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं होगी उसको कुछ नहीं होगा। जोर से बोलना सब लोग, बोलो। कोई ना बोलेगा। धमक। ए डोकरा, मैं तोरी क्लीन सेव कर दूंगा। बीच में नहीं, किनारे बोलना। अब मैं बोलूंगा, सब लोग बोलना, अधर्म की जय हो। आसो। ए, ए, अरा रा रा देख ले। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। तुम्हारी ये भावनाएं कभी पूरी नहीं होगी। सब लोग बोला, सब लोग बोले, समझे? कोई नहीं बोल रहा। बोला, अच्छा तू बोल। बोला धर्म की हैं जय हो। ये वो बच्चा भी कह रहा है कि अधर्म का नाश हो। उसने भी यही कहा है। अरे नहीं डुकरा, अरे ये भारत है। चल जाए छुरी गर्दन पर, जुबान ना बदले। बच्चा है तो क्या डराना चाहते हो क्या? ए बाबा, हम भी राक्षस हैं। झुकेगा नहीं साला। अच्छा। झुकेगा नहीं साला। नाम पुष्पा, पुष्पा समझकर मुझको फ्लावर समझा क्या? जानी जानी हम बहुत चीज हैं, कि ना ये गोली की बौछार से, ना ये परिवर्तिकार से ये बंदा डरता है, तो मात्र लुगाई के मार से। हेलो, टांग लिए ध्यान दे। ये 20 मुद्राएं हमारे अंजी तिवारी जी, और 20 मुद्राएं दीनू द्विवेदी जी, और ये 20 मुद्राएं आप है मस्ताना समोसा वाले हमारे प्रमोद पाठक जी के द्वारा, और ये 50 मुद्राएं आप है पार्थ द्विवेदी जी, इनकी तरफ से हमारे इन कलाकारों को दिए जा रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। क्यों? स्वाहा स्वाहा बंद कर दे, नहक में शोर मचाते हो। जब तू सुहा सुहा करता है ना, तब इससे जो
अग्नि जो अग्नि में धुआं निकलता है इससे हमारे घर भर की भमुएं झड़ जाती है। कल दुष्ट कहीं के जो जो हम यज्ञ करते हैं यज्ञ से धुआं निकलता है ये देवताओं का भोजन है भोजन का और इस धुआं से वायुमंडल में वायु शुद्ध होती है और जिससे संसार का कल्याण होता है। तुम क्या जानो ए बुढ़ऊ ये सुहा सुहा करता है देख ले आधे भेड़ी वाले के भौएं झरी फिर रही है और सबसे देख ज्यादा भौएं झरी है अंजी महाराज के। ये पता है हमारे राक्षस क्या करते हैं क्या करते हैं बोल कहां से मुस्करे से मुस्करा ला मुस्करे से महोबगला 60 रुपए ला। हम ऐसे ऐसे टिकट काटते हैं तेरा भी टिकट काट देंगे वो ढऊ तो स्वाहा स्वाहा बंद कर दे नाहक में शोर मचाते हो अखी मेहमानों को नहीं मिलता अतम में से आग में जलाते हो। खून पी जाऊंगा खून पी जाऊंगा घर न मुझे मिला घी खाने को। बाबा बोला स्वाहा बाबा बोला स्वाहा बाबा बोला स्वाहा स्वाहा तो हम भी बोले वाई, 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 वाई। बाबा कर दिया विध्वंस बाबा बोला स्वाहा तो हम भी बोले तेरा सत्यानाश हो जाएगा यज्ञ को विध्वंस कर रहा है। रुक जा टुकड़ा पान खा रहा हूँ चूना दे। बाबा बोला स्वाहा तो हम भी बोले आहा आहा बाबा स्वाहा तो हम भी आहा। अब बाबा ना तुमको छोड़ूंगा ना ये तुम्हारे चैला को छोड़ूंगा। चैला वही चेला चेला ये और ये 50 मुद्राएं आप हैं नयन द्विवेदी इनकी तरफ से हमारे कॉमिक कलाकार को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी वेरी मगरमच्छ हो तो निशाचर है बिल्कुल। यस माई किलोमीटर अब ये क्या है आई एम इंग्लिश स्पोकिंग डोंट वेरी I dot con stand above the roof in the charakatori of the nut bolt. अब नहीं छोड़ूंगा ना तुम्हारे चेले को सावधान रहना तो प्रियो सावधान बचे रहना तो प्रियो बहुत माया भी है। आवश्यकता केवल इससे सावधान रहने की है। आ रहा है तब अप्रियु बच के रहना सीधे गले पर निशाना बनाए हैं इस बार तब अप्रियु इधर गर्दन पर निशाना बनाए हैं सावधान रहना। इधर खड़ा है बुढ़ऊ अब तुमको नहीं छोड़ेगा ना ये चेला। Thank you.
स्वच्छ स्थल पर निशाना बना के आ रहा है ये। गुरुदेव भगवान, बस अब ये हृदय में विश्वास हो गया कि बिना परमात्मा के इस संसार में और इस संसार से इन दुष्टों का विनाश करने वाला कोई नहीं है। देख रहे हो आज किस प्रकार से हम साधु महात्माओं को इन दुष्टों के द्वारा सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है। जिस यज्ञ से, जो यज्ञ करने से उन देवताओं को आहार प्राप्त होता था, वही देवता आज उस रावण के आतंक से हमारा साथ देने से कतरा रहे हैं। वो भी हमारा सहयोग नहीं कर सकते, ये भय है उस रावण का। लेकिन हे प्रभु, मैंने तो सुना था कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तब तब आप कोई ना कोई शरीर धारण करके इस धराधाम पर अवश्य आते हैं परमात्मा। तो क्या आज इन दुष्टों का अत्याचार, इन पापियों का पापाचार अपनी चरम सीमा पर नहीं है क्या? नहीं नहीं दीनानाथ, मैं तो आज यहां तक देख रहा हूं कि आज जो सर्वथा अनुचित है इस संसार में विप्रधेन सुरसंत ये चारों सताए जा रहे हैं, जो कि धर्म के मूल स्तंभ माने जाते हैं। आज गायों का वध किया जा रहा है, आज विद्वानों के चरण ही यस्तप, उनके मस्तक काट लिए जाते हैं। इन नारियों का सम्मान जो संसार में विशेष बतलाया गया है, यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, इन नारियों के द्वारा भी अत्याचार, इन नारियों पर अत्याचार, वो पापाचार क्या आप नहीं देख रहे? क्या आज भी आप उस क्षीर सागर में निशंकता से शयन कर रहे हैं दीनानाथ? मैं देख रहा हूं ये आज पाठशालाओं में मधुमांश पकाए जाते हैं, आज पूज विद्वानों के वो मस्तक ठुकराए जाते हैं, आज आज ये धर्म ग्रंथ ईंधन की भांति जलते हैं, वो आज देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। ये सब देखने के बाद भी आप क्षीर सागर में निशंकता से शयन कर रहे हैं करुणानिधान? यद्यपि ये समय तो क्षीर सागर में शयन करने का नहीं है, यद्यपि ये समय तो जो सहारे आपके हैं उन्हीं पर आज संकट है। बनी ये यज्ञशालाएं इन्हीं मुनियों की मरघट है, इसलिए उठ पड़ो अब जाग जाओ, वो क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जुल्म के जालिमों की, जुल्म की नस तोड़ दो। यदि अब भी ना आए नाथ तो वो, यदि अब भी ना आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना इस दुनिया में दीना नाथ कहाओगे। यदि हम अनाथों की दुहाई, हे करुणानिधान, हम साधु महात्माओं का आपके शिवा
इस संसार में है ही कौन, हम किसकी दहलीज पर जाकर अपने इस धर्म के लिए उस धर्म की भीख मांगे कि हमारी रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कौन है। यदि हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में फिर जाएगी तो प्रभु तुम्हारी शेष सैया ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। यदि अब भी ना आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे फिर कभी ना इस दुनिया में तुम दीना नाथ कहोगे, दीना नाथ कहोगे, दीना नाथ कहोगे। लेकिन तपस्व्यू गुरुदेव भगवान ये तो मेरे हृदय में चिंता में जन्म ले लिया, और यद्यपि हमारा तो जीवन ही पर स्वार्थ के लिए है, अरे चिंता तो ये सांसारिक प्राणी वो गृहस्थ आश्रम में माया में लिप्त जीव किया करते हैं। यदि हमने भी चिंता करना आरंभ कर दिया तो फिर हमें और इस सांसारिक प्राणियों में अंतर ही क्या रह जाएगा। यद्यपि क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, एक बार सभी देवता मिलकर परमात्मा के समीप गए तब परमात्मा ने हम सभी को तो आश्वासन भी दिया था, और आश्वासन दिया क्या था कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हो नरभेशा, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे हित के लिए अवश्य ही मनुष्य रूप धारण करूंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर हो गया हो और हम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, व्यर्थ में ही उस परमात्मा को दोषारोपण कर रहे हो। इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंता का परित्याग करके आवश्यकता है आज चिंतन की। अवश्य ही हमें चिंतन करके देखना चाहिए कहीं परमात्मा की वाणी सत्य तो नहीं हो गई। ओ ओ तब मुनि परमन कीन्ह विचारा, और विचार में पाया क्या, प्रभु अवतरवु हरन मही भारा। जय हो आपकी दीनानाथ, जय हो, जय हो भक्तवांसल, आपने हमारी करुणा पुकार को स्वीकार कर लिया। तपस्व्यू अब डरने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि परमात्मा ने जैसा आश्वासन दिया था परमात्मा ने तो इस धराधाम पर जन्म भी ले लिया है। अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के गृह में परमात्मा ने अंशों के सहित अवतार लिया है। सो तपस्व्यु मैं चाहता हूं ज्ञान विराग शकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखो भर नैना, ये ही मिसी पद देखो जाई कर विनती आनहु दो भाई। परमात्मा का जिस कारण अवतार हुआ है क्यों ना उस कार्य को शुभारंभ किया जाए, बस आश्रम के कपाट बंद कर दिए जाएं और मानसिक जब तक शुभारंभ रहने दिया जाए, जब तक हम ना आए आश्रम की व्यवस्था को देखना, हम शीघ्रता से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं, अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव भगवान।